तो और मेरे भाइयों, क्या हाल चाल है। तो आज मैं लेकर चलूँ एक रोम का रिव्यू, जो कि MIUI स्पार्क, जो कि K20 प्रो का लेटेस्ट अपडेट है। और आज तक मैंने इतना घटिया रोम कभी कभी नहीं देखा। तो क्यों मैं बता रहा हूँ, तो सबसे पहले देखो, मैं यहाँ पर जंप कर दिया और मैं सीधा ऊपर कूदने के बाद दिखाता हूँ इसमें कैसा क्या FPS मिलता है। भाई इतना घटिया FPS मिलता है, बस तुम खुद ही देखो। तो यहाँ पर कूद गया, यहाँ पर हमारा साथी एक स्क्वाड आता है, बट यहाँ पर देखो FPS देखो भाई, बंदा तो घुस गया। और FPS देखो भाई, इतना गंदा FPS भाई, क्या बताऊँ। यहाँ पर 50 के ऊपर तो जा ही नहीं रहा है, अभी 40 पे आ गया। देखो अब कितना गिरता है, देखो देखो यहाँ पर 30 तक आ गया भाई, 33 तक FPS आ गया। तो खुद ही सोचो भाई, कितना घटिया रोम है। और भाई मेरे को मतलब क्या बताऊँ, ऐसे भयंकर लैग। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में उतना ज़्यादा लैग तो नहीं दिखता है, बट इतना ज़्यादा चिपक रहा था गेम भाई। यहाँ पर क्या बताऊँ मैं, यहाँ पर देखो मैं इजी मार सकता था इसको। तो यहाँ पर देखो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में तो उतना तो नहीं दिख रहा, बट इतना गंदा लैग भाई, क्या बताऊँ। बट ये रोम भाई तुम गेमिंग के लिए तो बिल्कुल भी मेरे से रिकमेंड नहीं है। तब भी तुम इसको यूज़ करना चाहते हो तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तुम्हारा मर्जी भाई, बट गेमिंग के लिए बिल्कुल भी यूज़ मत करना, बहुत घटिया रोम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद भाई मैंने रिकॉर्डिंग ही बंद कर दिया, इतना घटिया रोम। और क्या बताओ इसका रिव्यू भाई, सबसे बेकार। इससे अच्छा भाई इंडियन रोम में तुम स्टॉक रोम में ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देता है, इतना घटिया परफॉर्मेंस भाई। तुम कोई और रोम देख सकते हो, और मैं बहुत जल्दी दूसरा रोम का रिव्यू लेके आऊँगा, जो एवोल्यूशन एक्स का Android 13 वाला अपडेट आया उसका रिव्यू मैं देने का कोशिश करता हूँ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। रुको रुको भाई, और एक बात है, जो कोई कहेगा भाई मैरिसा कर्नल के साथ यूज करो, भाई ये जो गेम प्ले भाई मैरिसा कर्नल के साथ ही है, क्योंकि स्टॉक कर्नल के साथ और खतरनाक लैग है, और विदाउट रिकॉर्डिंग भी बहुत ज़्यादा लैग करते हैं, बट बिल्कुल भी गेम प्लेबल नहीं रहता है। बाकी रोम से तुम कंपेयर करोगे तो इससे अच्छा भाई स्टॉक रोम में अच्छा परफॉर्मेंस दे देता है, और क्या बताओ। और चलो अब वीडियो को एंड करते हैं। तो मैं सब कुछ कर लिया भाई, रूट मूट करके मतलब बहुत कुछ कर लिया, तब भी इसमें अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिला। तो गेम टर्बो भी यूज़ किया मैंने परफॉर्मेंस मोड में, तब भी ऐसा घटिया परफॉर्मेंस मिला भाई, क्या बताऊँ। तो चलो अब वीडियो को एंड करते हैं।